कि मंजिल मिल जाने से दोस्ती भुलाई नहीं जाती, कि मंजिल मिल जाने से दोस्ती भुलाई नहीं जाती, हम सफ़र मिल जाने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती, कि मंजिल मिल जाने से दोस्ती भुलाई नहीं जाती, हम सफ़र मिल जाने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती। हर पल होती है दोस्त की ज़रूरत, दोस्त से दूरी बनाई नहीं जाती। नमस्कार, मैं अरुण प्रकाश आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर के आया हूँ, और वो आज की वीडियो है एप्स प्लांट जो है, जो न्यूली एप्स के प्लांट हमने लगा रखे हैं उसके विषय में। तो आज आपको बिल्कुल नए जो प्लांट है एप्स के, जिसकी हमने प्लांटेशन कर रखी है, उसकी प्रूनिंग करना सिखाते हैं। तो चलिए अब आपको सिखाते हैं एप्स प्रूनिंग करना। तो ये है मेरा एप्स का प्लांट, तो आप देख रहे हैं इसकी हाइट भी लगभग 8 फीट है, और ये ऊपर से थोड़ा सा वीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये काफ़ी वीक है। तो ये अभी मैंने न्यूली प्लांटेशन की थी, आपको मैंने वीडियोस भी शेयर की थी। और बात करें इसकी नमी की, तो इसमें नमी भी काफ़ी ज़्यादा है, ये बिल्कुल नमी के अंदर है। और न्यूट्रिशन भी मैंने इसमें पर्याप्त मात्रा में डाल रखी है, 70 ग्राम इसमें मैंने NPK डाल रखी है, यानी कि मिक्सचर, जिसमें 12% नाइट्रोजन, फॉस्फोरस 32%, 16% पोटाश होती है, तो वो न्यूट्रिशन मैंने इसमें डाल रखी है। फिर गोबर भी मिक्सअप मैंने इसमें कर रखा था। तो इसको किस तरीके से हमने प्रून करना है एप्स तरीके से, तो ये मदर प्लांट है, तो आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें ऑलरेडी ये फेदर है, और इस फेदर को मैंने बेंड कर रखा है, ये देखिए इस तरीके से बिलो हॉरिजेंटल, ये सीडलिंग पे है, तो मैंने ये बिलो हॉरिजेंटल कर रखा है ये, ताकि ये जल्दी से जल्दी मुझे फ्रूट दे सके। ये मदर प्लांट है और मुझे जल्दी इसको फ्रूटिंग पे लाना है, और इसमें ब्रांचें भी मुझे बहुत सारी निकालनी है, ताकि अगले साल के लिए मैं कल में इसमें निकाल सकूँ, साइनबोर्ड इसमें से निकाल सकूँ। तो इसको मैंने काफ़ी, इसकी ग्रोथ को मैंने बचाना है, और इसको न्यूट्रिशन मुझे काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि ये इसमें पिने बनी हुई है, और जो डैमेज है उसको मुझे निकालना है। ये आप देख सकते हैं, ये टूटी फूटी पिन है, ये देख रहे हैं यहाँ से टूटी हुई है। जब वो गाड़ी में इसको लाया था तो ये प्लांट मेरे कुछ टूट गए थे, तो इसको मैं थोड़ा आगे से कट कर देता हूँ, ताकि इसमें दोबारा से नई ग्रोथ निकल सके पीछे से। और इसमें और चेक करना है, जो ये है यहाँ पर, ये पिन जैसी बन रही है, इसको भी मैंने यहाँ से कट करना है, क्योंकि ये यहाँ से टूट चुकी है। और ये बैक साइड वाली है, ये भी पिन मेरे पास यहाँ पर टूट चुकी है, तो इसको काटने का रीज़न यही है कि इसमें दोबारा से पीछे से नई ग्रोथ निकल सके। और जितनी भी ये डैमेज है, ये डैमेजेशन को निकालना है हमें। और फिर ये भी मेरे पास पूरा, ये जो ब्रांच है पूरी 1.5 फीट ऊपर से है, और 1.5 फीट नीचे मैं कोई ब्रांच इसमें नहीं रखूँगा। फिर एक पिन है थोड़ी, ये थोड़ी सी नीचे है, इसको मैं रहने देता हूँ। तो फिर इसको मैं समर प्रूनिंग में देखता हूँ कहाँ इसमें मैंने कट लगाना है, इसमें पीछे क्या एक्टिवेशन होती है, क्या इसमें इसके रिजल्ट निकलते हैं बिलो हॉरिजॉन्टल के। तो इसको मैं सीधा सीधा अपना, अगर अपने विचार से देखूँ तो इतना बिलो हॉरिजॉन्टल मैंने कर रखा है, तो सीधा इसमें मैंने 9 इंच पर कट्स लगा देना है। ये भी आगे से डैमेज है, तो इसको भी मैं कट कर देता हूँ। तो ये आप देखिए, तो ये अब ऊपर से चेक करते हुए हमें आना है, ये बहुत वीक है, अगर मैं इसको ऊपर से उड़ा देता हूँ तो ये दोबारा से ज़्यादा ग्रोथ नहीं उठा पाएगा। तो थोड़ा सा नीचे आकर के इसकी स्ट्रेंथ देखनी है हमें, इसकी मोटाई देखनी है, कहाँ पर इसकी मोटाई ठीक सी आती है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा वीक रहेगा, यहाँ पे भी वीक रहेगा, यहाँ पे भी वीक रहेगा। अगर इसकी मैं सही मोटाई देखूँ तो इसमें कट तो लगभग यहाँ जैसे बनता है, जैसे ये आइज है, यहाँ पर इसमें सही कट बनता है, लेकिन ये मदर प्लांट्स हैं और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फेदर इस साल इसमें निकालने हैं, तो मैं थोड़ा ऊपर जा कर के इसमें यहाँ पर कट्स लगा देता हूँ, इस आइस के ऊपर कट्स लगा देता हूँ, और फिर सा मुझे कट लगाना है आइस के ऊपर, बिल्कुल
ठीक ऊपर तीर्था कट में लगा देता हूँ, सीधा कट मुझे अभी नहीं लगाना है इसमें। और ये कट जो है ज़्यादा साइज के पास भी नहीं लगना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, आप ये जो मेरा प्लांट है ठीक 5.5 फीट का रह गया है, और इतनी जो मैंने इसमें से साइनवुड निकाल दी है, ये एप्स की साइनवुड है, और इसकी मैं आगे ग्राफ्टिंग करूँगा, इसके और प्लांट बन जाएंगे मेरे पास। और इस साइनवुड को मैं तभी निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस प्लांट के ऊपर ट्रस्ट है, जो फ्रूट क्वालिटी इस प्लांट के ऊपर बनेगी वो फ्रूट क्वालिटी मेरी साइनवुड के वुड भी आगे बनाएगी, जिसके ऊपर मैं इसको ग्राफ्ट करूँगा उस क्वालिटी के ऊपर भी यही क्वालिटी बनेगी जो क्वालिटी मेरी इस प्लांट के ऊपर बनेगी। ये भी थोड़ा सा डैमेज लग रहा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी डैमेज हो गया था प्लांट, क्योंकि इसके ऊपर तो सामान डाल दिया था और प्लांट मुझे खींचते करने पड़े। ये 5.5 फीट का प्लांट, और अगला प्लांट मेरे पास यहाँ पर है, एक स्टिक मेरे पास ये निकल गई है, अगर मैं अभी टाइम से इसकी कटिंग नहीं करता तो ये मेरे पास सूख भी सकती थी, अभी ये हरी है। अब इसकी भी मुझे स्ट्रेंथ देखनी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ओपन लीडर पे भी वर्क कर सकते हैं, सिंगल लीडर सिस्टम पे भी वर्क कर सकते हैं, और सिंगल लीडर सिस्टम में आप 12 स्पिंडल सिस्टम पे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी जो टेक्निक है वो कटिंग की है, प्रूनिंग की है। तो ये तो मैंने ऐसा ही थोड़ी बेंड कर दी थी, क्योंकि 2 साल की जब ब्रांच हो जाती है तो वो हमें फ्रूटिंग देती है, जल्द से जल्द 2 साल के अंदर वो फ्रूटिंग पे आ जाती है, तो इसको मैंने जल्दी फ्रूटिंग पे लाना है। बाकी जो ब्रांचेस हैं उसको मैं प्रूनिंग करके 9 इंच तक आगे लेके जाता हूँ। अब इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कहाँ पर है, कहाँ से ये मुझे अच्छी ग्रोथ दे सकता है। अगर ये ऊपर से तो काफ़ी वीक है और नीचे भी इसमें कोई फेदर वगैरह नहीं है, और आईजे भी इसकी बिल्कुल सेफ है। और अब इसमें काफ़ी सोच समझ के मुझे कट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर हम अपने प्लांट को सही आकार दे सकते हैं। तो लगभग ये जो नीचे वाली आइज है यहाँ पर तो बीमा जैसा बन रहा है, यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी कट नहीं लगाना क्योंकि यहाँ से मुझे ग्रोथ नहीं दे पाएगी। तो वैसे 5 फुट 5.5 फुट ऊपर जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी होती है, ज़्यादा आपको नहीं देनी। अगर काफ़ी स्ट्रेंथ प्लांट की है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट तक रख सकते हो, लेकिन ये मदर प्लांट्स है एप्स के, जो कि प्रेम चौहान के द्वारा तैयार की गई वैरायटी है, तो इसमें मैं इतना ऊपर कट्स लगा देता हूँ। और अब ये भी लगभग 5 फीट 5 फीट तो ये मैंने प्लांट रखा एप्स का। अब इसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए मुझे इसमें जून के महीने में और न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी, इसमें फर्टिलाइज़र मुझे डालनी पड़ेगी। तो ये 2 स्टिके मेरे पास एप्स की अपनी निकल गई, अब जितनी भी कल में इसमें से निकलेगी उसमें मेरे एप्स के और प्लांट बन जाएगी। अब नेक्स्ट प्लांट देखते हैं, और इसमें भी ये डेमिजेशन पहले निकालनी है, जो टूट फूट इसमें है उसको निकालना है, बिल्कुल पीछे से रिमूव नहीं करना है, नहीं तो फिर घाव बन जाता है। ये तो 7.5 फीट का ही प्लांट है और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, फिर भी कम भी नहीं मैं इसको बोल सकता हूँ। तो इस बार मैंने इसमें, और ये लगभग मेरे पास 4 फीट 4 फीट का ये मैंने प्लांट रखा, ये 5.5 फीट का है, ये 4 फीट का है, और ये 5 फीट का है। तो इतना ज़्यादा आपने नहीं रखना है, आप अपने हिसाब से 3 फीट वीक है तो आप 3 फीट पे रखें, ज़्यादा स्ट्रेंथ है पौधे की, मोटाई ठीक है तो आप उसको 4 फीट तक रख सकते हैं, लेकिन ये फेदर प्लांट है, मैं इसको थोड़ा 5 5.5 फीट पे रख रहा हूँ, 4 फीट पे रखता हूँ। ये इसकी जो ऊपर वाली ग्रोथ है काफ़ी वीक है, आप देख सकते हैं इसकी जो ऊपर वाली ग्रोथ है काफ़ी वीक है, अगर मैं जितना ऊपर कट दूंगा उतनी अगले साल ये ग्रोथ कम लेगा, और जितनी मैं इसकी मोटाई पकड़ूंगा, मोटी जगह पर कट दूंगा तो उतनी ज़्यादा ही अगले साल को मुझे ग्रोथ देगा। यहाँ भी डेमिजेशन है तो इसमें, और ये बीमे बन रहे हैं, बीमे के ऊपर मुझे कट्स नहीं लगाना है क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पाएगा। तो ये ऊपर से काफ़ी वीक है तो इसमें काफ़ी डाउन कट्स लगेगा, और ये मेरे पास है 3.5 फीट का मैंने इसमें कट लगा दिया, अब इसको बाद में कट कर दे रहा हूँ। ये भी हेल्दी है मेरे पास, ये भी 7.5 फीट है मेरे पास, और
इसकी मोटाई जितनी अच्छी मोटाई होगी उतनी ही ज़्यादा हम इसमें ग्रोथ रख सकते हैं। तो इसकी मोटाई काफ़ी अच्छी है, तो इसको मैं लगभग पाँच फीट रख देता हूँ। और 5 फीट रखने का मकसद यह है कि मुझे इसमें ग्रोथ ज़्यादा रखनी है और इसमें फेदर ज़्यादा निकालने हैं। अब 5 फीट को ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए मुझे इसमें, अभी तो मैंने इसमें दे रखी है 70-80 ग्राम मैंने इसमें मिक्सचर डाल रखी है और गोबर डाल रखा है, फिर मई जून में मुझे इसमें और न्यूट्रिशन देनी है तभी मेरे पास ये मोटी हो जाएगी, क्योंकि 5.5 फीट तक इसको काफ़ी स्ट्रेंथ मुझे देनी है। तो ये थी एप्पल की प्रूनिंग मदर प्लांट्स की। तो बाकी जिसमें गालास वगैरह है, गालास की प्रूनिंग टेक्निक कुछ और होती है, गाला को प्रून करने का और हिसाब होता है। और जो डिलीशस की दूसरी वैरायटी मेरे पास लगी हुई है Z1, उसकी भी मैं वीडियोज़ आपको शेयर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।